व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रॉयल कैफे वंस अगेन। और प्रोग्राम का दोबारा से लेती हूँ स्टार्ट। मामू जी, एक और रिक्वेस्ट आई हुई है। सानिया नाम है उनका, बाहर जाने का इरादा रखती हैं और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 25 फरवरी 1986। के 2016 कैसा रहेगा और बाहर जाने के क्या इम्कान हैं? सानिया 25 फरवरी 1986। दो हजार सत्रह के आखिर में जा सकती हैं। 2017 के आखिर में जा सकती हैं। 16 में फिलहाल कोई 16 में मुश्किल है। अच्छा जी, यासीन साहब, नहीं जी, मेरा ख्याल मामू सारी बात तो सही हो सकती है, लेकिन मुझे 16 के आखिर में जाती नजर आ रही। दिसंबर में हो सकता है, नवंबर दिसंबर में जा सकती। नवंबर दिसंबर में मतलब एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगले जो उन्होंने कहा ना सप्ताह में, उसमें तो शोर शाट है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मामू जी, अगर कुदरती आफात के हवाले से बात करें तो 2015 में तो जलजला और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई हमारे मुल्क में। 2016 को इस हवाले से कैसा देखते हैं कुदरती आफात? या 2016 जो है ना, कि मैंने बताया कि इसमें इफेक्ट्स अभी हैं, हैं। ये ख़त्म हो रहे हैं 15 मार्च को, ठीक है बिल्कुल। जनवरी फरवरी मार्च में फिर अलग फजल से कोई आसमानी या ज़मीनी कोई आफात नहीं, बिल्कुल सही इंशाल्लाह। जी यासीन साहब, हाँ जी सही कह रहे हैं कि मतलब एक जो हो रहे हैं मुझे चूसित रहेगा। मुझे आगे मई के और जून हाँ। में कोई नजर आ मई में नजर आ रहा है, मई में कोई नजर आ रहा है, बड़ा अजीब सा मामला है। अनहोनी बात, अनहोनी बात, हाँ अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, बस ये कहते हैं कि अल्लाह ताला गुजार ही दे हमें सुकून के साथ। बिल्कुल सही। एक और ज़रा नहीं आया था वहाँ? जी जी हाँ, वहाँ कृष्णी तो कोई सलाम आ सकता है, तूफान आ सकता है, कोई ये जिसमें बहुत सी जानें ज़ाय हो सकती हैं। अच्छा। अपना वो हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, बारिशें अपना फ्लड आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला बनाए। ये 2016 मुश्किल का है, हो सकता है उसकी मर्जी है, थोड़ी मुश्किल कर दे चाहे ज्यादा मुश्किल कर दे। 2016 का जो पहले था वो 8 का जलजला जो था जी, वो जी। तो उसमें तो बहुत बड़ी जाने गई हैं, बड़े 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 लोग जो खाते पीते थे वो बेचारे आप मांग रहे हैं बन गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा यासीन साहब, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो 2016 इकोनॉमी के हवाले से बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और ये जो महंगाई जो हमारी आसमान पे, महंगाई ऐसा ऐसा मकद में खुद ही महंगाई के हिसाब से ये है कि जो हमारा ये मामला है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, खाने वाले मुंह ज्यादा है बिल्कुल, और कमाने वाले कम है बिल्कुल। अब एक आदमी 10 आदमी घर में एक आदमी कमा रहा है, उस बाकी खा रहे हैं, क्या करे, इकोनॉमी का देखे ना हाल ये। इसलिए कि दो लोग जो है कोशिश होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मार्क्स जो है ना वो कहता है कि जब आबादी बढ़ जाए उसका दावा ना किया जाए तो ये होता है या तो कैद होता है, बिल्कुल सही, या ये है कि उसके बाद या तो जंग शुरू हो जाती या वबा फैलती कोई। अच्छा, इनमें से एक जरूर होता है। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता अगर हमने इसका आबादी को कंट्रोल ना किया, जो कि हम नहीं कर रहे, तो इसके बाद ये कि ये भी हो सकता है, क्योंकि फिनोमेना जो है ना वो तो मामला हो गया रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मामू जी, अगर इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करें तो इस्लामी मुमालिक के लिए 2016 जो है वो कैसा साल रहेगा? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इसमें बताते चलूँ मैं कि ये जो काउंसिल बनाई थी सब कुछ किया, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता ना इन पे होना, कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल ये समय ये देखे कि इनकी यूनियन बना लेंगे उसमें कामयाब को नहीं होना। बिल्कुल सही जी यासीन भट्टो साहब, आप क्या नहीं वो ये है ना, चूंकि इस्लामी मुल्क डिस्टर्ब ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अब देखिए ना मतलब ये बंदाश है उसके मामले, ये जो है शाम है, मिस्र है, उसके ईरान है, इराक है, अब ये मामला ये नहीं, ये चूंकि इस मामले अनस्टेबिलिटी रहेगी, इस्लामी मुल्क में अमल नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे लेना है एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मामू की, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा कीमती टाइम दिया। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे यासीन भट्टो साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो अब ब्रेक का टाइम है और आप देखते रहिए रॉयल कैफ़े, और मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद।